नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं दिन की बड़ी खबरों के साथ। मेघालय के शिक्षा मंत्री लखमेन रंबुई ने कहा है कि मेघालय अगस्त के मध्य से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने पर विचार कर रहा है। रंबुई ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके क्लासेस टीचिंग को फिर से शुरू करने की जरूरत है, खासकर उच्च शिक्षा संस्थानों में। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल 50% छात्रों को टीका लग चुका है, जबकि अगस्त के मध्य तक इसके और बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने कहा इसी के बाद अगस्त के मध्य तक विचार विमर्श किया जा रहा है कि शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोल दिया जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल फिर से खोलने के मामले का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। बता दें, बैठक में मौजूद अधिकारियों के मुताबिक स्कूलों को और कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं के साथ एक विस्तृत योजना तैयार करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों के साथ एक्सपर्ट पैनल का गठन किया जाएगा। साथ ही SOP का पालन करने के लिए स्कूलों की तैयारी, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की टीकाकरण और माता पिता और छात्रों की चिंताओं का मूल्यांकन कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी करेंगे। इसके तहत सुबह 12:30 बजे 9 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में 19,050 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि हस्तांतरित की जाएगी। साथ ही पीएमओ से मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी कुछ लाभार्थी किसानों से बात भी करेंगे और इसके अलावा पीएम राष्ट्र को भी संबोधित करेंगे। इस योजना के तहत किसान परिवारों को हर साल 4 किस्तों में 6,000 रुपयों की मदद दी जानी है। साथ ही इस योजना के तहत अब तक 1,00,000 से ज्यादा करोड़ रुपए किसानों को दिए जा चुके हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश के महोबा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों के लिए उज्ज्वला 2.0 का 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीरभूमि महोबा से वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। साथ ही पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से संवाद स्थापित भी करेंगे और कार्यक्रम के शुभारंभ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोबा भी पहुंच रहे हैं और उनके साथ पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी मौजूद रहेंगे। बता दें, कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। संसद में सोमवार से जहां मानसून सत्र के आखिरी सप्ताह की कार्यवाही शुरू होने वाली है, वहीं विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए एक बार फिर से बैठक बुलाई है। दरअसल पेगागस और किसान के मुद्दे पर एक बार फिर से संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। साथ ही सरकार की अपील के बावजूद भी विपक्ष नरम रुख अपनाने को तैयार नहीं है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज लोकसभा में संविधान और विधेयक 2021 पेश करेंगे। तो बता दें, आज से मानसून सत्र का आखिरी सप्ताह शुरू होने वाला है और ऐसे में अब 13 अगस्त को मानसून सत्र समाप्त हो जाएगा, तो आखिरी सप्ते में भी हंगामा होने के आसार जताए जा रहे हैं और ऐसे में लगातार विपक्ष ने आज एक बार फिर से बैठक बुलाई है संसद के मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए। भारी बारिश और नदियों में उफान के चलते यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और ऐसे में बाढ़ का पानी सैकड़ों गांवों में घुस चुका है। बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और इसी बीच प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ आज बाढ़ प्रभावित औरैया और इटावा का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। हवाई सर्वेक्षण के बाद वो संबंधित अधिकारियों के साथ राहत और बचाव कार्य का जायजा भी लेंगे। साथ ही योगी ने रविवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा भी की थी। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि बाढ़
पीड़ितों को समय पर राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को अपने अपने जिलों में कंट्रोल रूम बनाने पेट्रोलिंग करने का भी निर्देश दिया था। इससे पहले बता दें, प्रदेश के मंत्री महेंद्र सिंह ने बाढ़ प्रभावित बलिया जिले का हवाई सर्वेक्षण किया था। उन्होंने बाढ़ को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी, जिसके बाद आज योगी हवाई सर्वेक्षण करेंगे इटावा और औरैया जिले का। आगरा के ताज विलास होटल में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक का सत्र संपन्न हुआ है। बता दें, इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के पदाधिकारियों को विधानसभा चुनाव जीतने के लिए जीत का मंत्र दिया है। ये मंत्र था कि अपने बूथ को मजबूत बनाओ और अधिक से अधिक रात्रि प्रवास पर संगठन को मजबूत करो। इन्हीं दोनों कार्यों से पार्टी को विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिलेगी। साथ ही संगठन से जो भी निर्देश और कार्यक्रम मिले, उन्हें धरातल पर उतारना ही होगा। संबोधन के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लोगों के कल्याण के लिए चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और उनके प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया, जिससे आम जनसभा पार्टी की जनहित नीतियों को समझ सके और पार्टी से जुड़ सके। वहीं बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रज में हुए विकास कार्यों को सभी के सामने रखा। उन्होंने एसएन मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी फिरोजाबाद और एटा में बन रहे मेडिकल कॉलेज, आगरा में प्रस्तावित छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम आदि विषयों की ओर भी सभी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि ये विकास का आगरा के साथ साथ ब्रज में मील का पत्थर साबित होगा। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बूथ की मजबूती और संगठन के प्रस्तावित कार्यक्रमों को उत्साह देने के साथ ही उन्होंने निर्देश दिए। और इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश सह संगठन महामंत्री कर्णवीर सिंह, सह प्रभारी संजीव, राज्य सभा सांसद और अनिल जैन, प्रदेश महामंत्री अश्विनी त्यागी आदि भी बैठक में शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल एक बार फिर से अंदरूनी कलह से जूझ रही है। दरअसल पार्टी प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बयानों से पार्टी के भीतर नेताओं में नाराजगी बढ़ रही है। वहीं तेजस्वी यादव भी दूरियां बना रहे हैं और दोनों के बीच वर्चस्व को लेकर मनमुटाव की खबरें लगातार सामने आ रही है। इधर भाजपा ने पार्टी में खटपट को लेकर राजद और तेज प्रताप पर चुटकी ली, तो बिहार भाजपा ने नसीहत देते हुए कहा कि तेज प्रताप को कम से कम पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बना दिया जाए। वहीं बिहार के बीजेपी नेता अरविंद कुमार सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि तेज प्रताप के साथ ना इंसाफी हुई और लालू यादव का बड़ा बेटा होने के नाते उन्हें ही बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए था, क्योंकि तेज प्रताप बिहार की जनता को अपनी संपत्ति समझते हैं। लेकिन लालू यादव ने तेज प्रताप के साथ ना इंसाफी की, इसीलिए अब इंसाफ करके उन्हें राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए या फिर मीसा भारती को पार्टी की कमान दे देनी चाहिए। हालांकि बीजेपी नेता अरविंद सिंह ने तेज प्रताप के हिटलर वाले बयान की निंदा की और अरविंद सिंह ने कहा कि तेज प्रताप को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जगदानंद सिंह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ऐसे में तेज प्रताप का उनके खिलाफ बयान देना उचित नहीं है। बता दें कि 8 अगस्त को राजद के कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर निशाना साधते हुए उन्हें हिटलर तक कह डाला था। तेज प्रताप ने कहा था कि जगदानंद सिंह सब जगह जाकर हिटलर की तरह बोलते हैं। पार्टी कार्यालय का मेन गेट अध्यक्ष की मर्जी से खुलता और बंद होता है। पिताजी के समय दरवाजा हमेशा खुला रहता था, लेकिन उनके जाने के बाद बहुत लोगों ने मनमानी शुरू कर दी है। तेज प्रताप यही नहीं रुके, उन्होंने जगदानंद सिंह को आड़े हाथों लेते हुए ये तक कह दिया कि कुर्सी किसी की बपौती नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के अंकों से असंतुष्ट छात्रों का इंतजार अब खत्म कर दिया है। जी हां, सोमवार यानी कि आज से अंकों से जुड़े विवाद को लेकर प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। चार चरणों में विभाजित प्रक्रिया से छात्रों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही छात्र 9 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। वहीं बोर्ड की ओर से 14 अगस्त तक विवादों का निपटना
तय कर लिया जाएगा। साथ ही CBSE ने जून में टेबुलेशन पॉलिसी को जारी करते हुए 12वीं के परिणाम का फॉर्मूला जारी किया था। इसके तहत 12वीं में मिड टर्म यूनिट और प्री बोर्ड परीक्षा के 40%, 11वीं कक्षा में अंकों का 30% और 10वीं में बेस्ट 3 विषयों के 30% अंकों के आधार पर रिजल्ट बनाया गया था। साथ ही बोर्ड ने असंतुष्ट छात्रों को अंकों से जुड़े विवाद को लेकर दावा करने का अवसर देने की बात भी कही थी, जिसके बाद अब CBSE ने रविवार को जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि इसके लिए वो छात्र विवाद को लेकर दावा कर सकते हैं जो अंकों से असंतुष्ट नहीं है या फिर कमेटी की ओर से अंक गणना में गलती हुई है। साथ ही नई नीति को लेकर आपत्ति रखने वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अंकों से असंतुष्ट छात्रों को अपने स्कूलों के प्रधानाचार्यों को पत्र के माध्यम से अपने कारणों से स्पष्ट करना होगा। साथ ही इसके बाद स्कूल इस रिकॉर्ड को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपने पास रखेगी। वहीं परिणाम को तैयार करने वाली कमेटी छात्रों के वजह से के आधार पर ही परिणाम की जांच करेगी और जांच करने पर यदि परिणाम सही पाया जाता है और असंतुष्ट होने वाला कोई कारण नहीं मिलता है तो छात्र कमेटी की ओर से जवाब भी भेज दिया जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड स्कूल को भी अपने पास रखना होगा। वहीं बोर्ड ने इस पूरी प्रक्रिया को टाइप 1 श्रेणी में रखा है। फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना एक युवक को भारी पड़ गया। दरअसल आरोपी के खिलाफ बीते 30 जुलाई को मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही इसकी कॉपी शनिवार को दीवानी न्यायालय के संबंधित कोर्ट में प्रस्तुत की गई है। बता दें जौनपुर जिले के खुटहन थाना क्षेत्र के शेरापट्टे निवासी अखिलेश बिंद फेसबुक पर बीजेपी के समर्थन में पोस्ट डालते रहते हैं। उन्होंने खुटहन थाना प्रभारी निरीक्षण को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ 28 जुलाई को आनंद कुमार यादव ने उसकी पोस्ट पर अत्यंत अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए कमेंट किया था। प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर अपशब्दों का प्रयोग करने का आरोप भी लगाया गया है। साथ ही कहा गया है कि उसकी स्क्रीनशॉट भी वादी के पास मौजूद है। साथ ही अपने कथन के समर्थन में उसने स्क्रीनशॉट तहरीर के साथ संलग्न किया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराने की मांग की है। बॉलीवुड और टीवी जगत के मशहूर अभिनेता अनुपम श्याम का 8 अगस्त को निधन हो गया है। बता दें उनके निधन की खबर से पूरे मनोरंजन जगत में दुख छा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। CM ने ट्वीट कर लिखा कि सुप्रसिद्ध अभिनेता अनुपम श्याम ओझा जी का निधन अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और उनके शोक संतप्त परिजनों और प्रशंसकों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। सुप्रसिद्ध अभिनेता अनुपम श्याम ओझा जी का निधन अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं परिश्रों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके शोक संतप्त परिश्रों और प्रशंसकों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। तो बता दें अनुपम श्याम का 63 साल की उम्र में कल निधन हो गया है। पिछले काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, जिसके बाद कल मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जताया है ट्वीट के माध्यम से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिनों के श्रीनगर दौरे पर पहुंचेंगे। बता दें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद राहुल गांधी का ये पहला श्रीनगर दौरा होगा। हालांकि इससे पहले अगस्त 2019 में 370 हटाए जाने के 2 हफ्ते बाद हालात का जायजा लेने राहुल गांधी विपक्षी प्रतिनिधि मंडल के साथ श्रीनगर पहुंचे थे, लेकिन तब प्रशासन ने सभी विपक्षी नेताओं को एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिया था। आज देर शाम राहुल जम्मू कश्मीर कांग्रेस के
प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के बेटे बहू के रिसेप्शन में भी शामिल होंगे। वहीं मंगलवार को राहुल गांधी राजधानी श्रीनगर में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन भी करेंगे। मंगलवार को सबसे पहले सुबह 9 बजे राहुल खीर भवानी मंदिर में दर्शन करेंगे। बता दें खीर भवानी मंदिर श्रीनगर से 1 घंटे की दूरी पर गांधरबल में स्थित है और इसके बाद राहुल गांधी श्रीनगर स्थित हजरतबल मस्जिद भी जाएंगे। दोनों ही बड़े धार्मिक स्थल है। साथ ही संभावना जताई जा रही है कि राहुल गुरुद्वारा छठी पातशाही और संत शेख हमजा मखदूम की मजार पर भी जा सकते हैं। धार्मिक स्थलों पर मत्था टेकने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दोपहर करीब 12 बजे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक राहुल मीडिया से मुखातिब भी हो सकते हैं और देर शाम कल भी राहुल गांधी दिल्ली लौट जाएंगे। साथ ही बता दें राहुल गांधी का ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि 370 खत्म होने के बाद वो पहली बार श्रीनगर के अंदर दाखिल होंगे। मोदी सरकार की तरफ से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को कांग्रेस ने असंवैधानिक करार दिया था। वहीं कांग्रेस जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करती रही है। हालांकि धारा 370 को लेकर कांग्रेस का रुख स्पष्ट नहीं है। जंतर मंतर पर आज महिला किसान संसद का आयोजन किया जाएगा। बता दें किसान संसद के अंतिम दिन कॉर्पोरेट भारत छोड़ो का नारा देते हुए महिला किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। आज की संसद में भाग लेने के लिए दिल्ली और आसपास के इलाकों की महिलाएं जंतर मंतर पर पहुंच रही हैं। वहीं सोनीपत से खबर है कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित किसान संसद में महिलाएं भाग लेंगी। वहीं किसान संसद के अंतिम दिन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उसके साथ ही अब संयुक्त किसान मोर्चा 15 अगस्त के कार्यक्रमों की तैयारियों में जुट जाएगा। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया है कि गुरनाम सिंह मोर्चा के लिए अहम नेता हैं, उनकी नाराजगी को जल्द ही दूर किया जाएगा। वहीं कुंडली बॉर्डर पर आयोजित प्रेस वार्ता में रविवार देर शाम संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य बूटा सिंह ने कहा कि संसद के समांतर किसान संसद चलाई जा रही है। इसमें 70 घंटों से ज्यादा किसानों की संसद ने काम किया है। उसमें नए कृषि कानून, दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता प्रबंधन में पराली के प्रभाव, विद्युत संशोधन विधेयक, डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ बहस और चर्चा हुई। किसान मोर्चा ने विपक्ष को चेतावनी पत्र भी जारी किया था। उसका नतीजा ये रहा कि विपक्ष ने संसद में जोरदार विरोध भी किया और कृषि कानूनों के खिलाफ प्रभावशाली तरीके से आवाज उठाई। कई बार संसद चलने नहीं भी दी गई और किसान संसद का आज आखिरी दिन है और इसे महिलाएं चलाएंगी। बता दें अंतिम दिन किसान संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पास किया जाएगा। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से PM से इस्तीफे की मांग भी की जाएगी। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय एथलीट आज स्वदेश लौटेंगे। बता दें देश के लिए मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को आज शाम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलाड़ियों से रूबरू होंगे। वहीं भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कल कुल 7 पदक जीते हैं जिनमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। बता दें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। साथ ही कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ कई पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी और भारत सरकार के अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो बता दें टोक्यो ओलंपिक से आज सभी खिलाड़ी भारत लौट रहे हैं। ऐसे में ध्यानचंद स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। असम मिजोरम के बीच सीमा पर हुए खूनी संघर्ष के करीब 12 दिनों के बाद शनिवार की देर रात आवश्यक सामग्री से लदे ट्रकों ने मिजोरम की सीमा में प्रवेश कर लिया है। सीमा पर तनाव के मद्देनजर स्थानीय बंदिशों की ओर से प्रतिबंध हटाए जाने के बावजूद ट्रक धोलाई में ही खड़े हुए थे, जिसके बाद असम के मंत्री अशोक सिंगल और परिमल
के समझाने के बाद आवश्यक सामग्री, दवाओं, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडरों से लदे ट्रक मिजोरम रवाना कर दिए गए। वहीं कई वाहन चालकों ने सरकार से सुरक्षा का लिखित आश्वासन भी मांगा है। साथ ही कैलासिप के पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि शनिवार रात से रविवार सुबह तक 50 से ज्यादा वाहनों ने मिजोरम में प्रवेश किया है। फिलहाल दोनों राज्यों के बीच यातायात सामान्य है। राल्टे ने कहा कि हालांकि हम सतर्कता पर हैं क्योंकि किसी भी समय कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। दिल्ली सरकार द्वारा पिछले 3 महीने में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए नमूनों में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट ज्यादातर वायरस से पीड़ित लोगों में पाया गया है। बता दें, दिल्ली सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 महीने में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 80% नमूनों में डेल्टा वेरिएंट मिला है। जबकि राजधानी के लिए कोविड प्रतिबंध नीतियां तैयार करने वाला दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक बैठक में स्वास्थ्य विभाग के साथ साझा किया कि जुलाई में दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 83.3% नमूनों में डेल्टा वेरिएंट का पता चला है। साथ ही मई और जून में 81.7% और 88.6% नमूनों में वेरिएंट पाया गया था और अप्रैल में 53.9% सैंपल में डेल्टा वेरिएंट मिला था। जिसके बाद बता दें, डेटा से ये पता चला है कि अब तक राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में दिल्ली के 5,752 नमूनों में 1,689 में डेल्टा संक्रमण पाया गया है, जबकि 947 नमूनों में अल्फा संक्रमण का पता चला है। बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अल्फा और डेल्टा वेरिएंट दोनों को ही चिंताजनक वेरिएंट के रूप में बताया था। और ऐसे में डेल्टा वेरिएंट की पहचान भारत में दिसंबर 2020 में की गई थी और बाद में 95 से ज्यादा देशों में इसका पता चला है। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट प्रमुख वजह रहा था, जिसने देश भर में लाखों लोगों को संक्रमित किया और हजारों लोगों की जान ली। वहीं अल्फा वेरिएंट को पहली बार ब्रिटेन में पिछले साल खोजा गया था। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के मामलों में मामूली सी कमी आई है। रविवार को 36,028 नए कोरोना के मामले मिले हैं, जबकि करीब 40,000 लोग ठीक भी हो गए हैं और 447 संक्रमितों ने जान गंवा दी है। ये लगातार तीसरा दिन था जब नए मरीजों से ज्यादा मरीज ठीक होकर वापस अपने घर लौटे हैं। इससे पहले बता दें, 6 अगस्त को 38,705 मरीज मिले थे कोरोना के और 40,026 मरीज कोरोना से ठीक हो गए थे, जबकि 7 अगस्त को करीब 40,000 मरीज सामने आए थे, जबकि 43,935 रिकवर हो चुके थे। ये भी राहत की बात है कि नए मरीजों का आंकड़ा भी बीते 14 दिनों में सबसे कम रहा है। इससे पहले 26 जुलाई को 30,820 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और केरल में भी केस कुछ कम हुए हैं। यहां रविवार को 18,607 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जबकि 20,108 मरीज ठीक हो गए थे और 90 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इससे एक दिन पहले की बात की जाए तो एक दिन पहले 20,600 से ज्यादा मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 17 अगस्त से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्कूलों के फिजिकल क्लासेस को फिर से खोलने की घोषणा कर दी है। बता दें कि राज्य भर में स्कूल पिछले साल मार्च से ही बंद है और तब से ही लर्निंग टीचिंग जारी रखने के लिए ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही हैं। और इसीलिए एक बार फिर से अब महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 5 से 8वीं तक के छात्रों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होंगी, जबकि शहरों में कक्षा 8 से 12वीं तक के छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेस शुरू की जाएंगी। इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। साथ ही मंत्री ने कहा कि फिलहाल ऑन कैंपस कक्षाओं को केवल उन क्षेत्रों में अनुमति दी जाएगी जहां कोविड-19 संक्रमण लगातार कम हो रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।